आपकी लाइफ में बहुत तरीके के डर होते हैं जो आपको जितना हो सकता है उतना दबाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के। और मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना। और थोड़ा सा मैं आपको लो फील हो रहा हूँ क्योंकि कल से मेरे को बहुत ज्यादा हाई फीवर चल रहा है, बट मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को एक वीडियो देना मेरा काम है, और अगर पॉसिबल है मैं दे सकता हूं तो कोशिश कर रहा हूं इस सिचुएशन में आपको एक अच्छी वीडियो देने का। डर किसी भी तरीके का होता है। आपकी लाइफ को डर बहुत ज्यादा नीचे डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बीच में बाधा बनता है। डर किसी भी तरीके का हो सकता है। डर होता है अनसक्सेसफुल ना होने का डर, मतलब कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और आप उसके कॉन्सिक्वेंस से डरते हैं कि यार मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो सकता है, ये नहीं हुआ तो वो हो सकता है, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई अपना आप कोई डिसीजन खुद का बनाना चाहते हैं और उसमें आप ये सोचते हैं कि इस डिसीजन में अगर मैं फेल हो गया तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो डर जितना आप उसको बढ़ावा देंगे, जितना आप उसको ऊपर उठाएंगे, उतना ही आप नीचे गिरते चले जाएंगे। देखो, सबसे पहले आप ये सोचना कि डर से आप डर के ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं। जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है? आप डर से बिल्कुल भी मत डरो क्योंकि वो आपको पूरा कोशिश करता है डराने की, आपको नीचे गिराने की। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप डर से बिल्कुल भी मत डरो। वो आपको हर हाल में परेशान करेगा, आपको दिक्कत देगा। और सबसे पहले आपको ये समझना है कि डर किस तरीके से आपका टाइम ही वेस्ट करता है और कुछ नहीं करता। आपको डराता नहीं है लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करता है। पूरे दिन में आप बहुत बार डिमोटिवेट होते हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सोचते हो कि यार ये डर जो है मेरे को परेशान कर रहा है, और आपको वो नीचे जितना गिराना चाहता है वो गिराता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आप उसी बीच मोटिवेट भी होते हो। जब आप मोटिवेट होते हो तो आपको लगता है कि डर कुछ नहीं होता। तो हुआ क्या, एट द एंड यही हुआ कि आपका उसने टाइम वेस्ट किया, बहुत जबरदस्त टाइम वेस्ट किया। तो आपको सिर्फ 3 पॉइंटों में समझना है कि डर पे काबू कैसे पाना है। सबसे पहले, किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में कोई डर उत्पन्न होता है तो आपको सिर्फ यही चीज सोचनी है कि ये बहुत टेम्पररी टाइम के लिए है। अभी मैं डर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मोटिवेट हो जाऊंगा और सब चीज ठीक हो जाएगी। दूसरा, पॉजिटिव अपने माइंड को रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रखें, क्योंकि डर टेम्पररी होता है और एक समय के बाद उस डर के ऊपर आप काबू पा लेते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी कुछ ऐसा फील हो, आपको लगे कि यार ये डर जो है मैं अनसक्सेसफुल हो सकता हूं, सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि इसका रिजल्ट कुछ भी हो, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट कुछ भी हो, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, चाहे मैं जरूर फेल हो जाऊं लेकिन मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी इससे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपनी एक नई सोच के साथ।